हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और वेलकम है आपका मेरे चैनल आकाशवाणी में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सबसे पहले सभी को हैप्पी वुमेंस डे, और औरतों की रिस्पेक्ट करिए, औरतों की इज्जत करिए, ठीक है। और दोस्तों आज का टॉपिक जो है हमारा मेरे, जो कि जैसे कि मैंने बताया आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो उसी कमेंट के अकॉर्डिंग मेरे को वीडियो का सजेशन मिलता है, वीडियो का आइडिया मिलता है। तो मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि सीनियर आप परचेजिंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करूंगा परचेजिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है, इन दोनों में से क्या बेस्ट है। और हमारी कम्युनिटी के अंदर इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि जब कोई न्यू पार्टनर फोर्थ डे फिफ्थ डे जब उसको पता लगता है परचेजिंग के बारे में, तो वो परचेजिंग को इन्वेस्टमेंट से ही कंपेयर करता है कि यहाँ पर भी पैसा लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या अलग है कि मैं यहाँ पर पैसा लगाने के लिए नहीं आया, मैं पैसा कमाने के लिए, तो मैं पैसा क्यों लगाऊं। मींस वो खरीदने को लगाने से कंपेयर करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, ताकि आपको उनको बताने में और खुद को समझने में भी ईजी रहे, ठीक है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लगाना और परचेजिंग का मतलब होता है खरीदना। ये एक अगर इसको हिंदी में ही हम लोग अगर डिफाइन करें तो हम आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लगाना, ठीक है। अगर हम लगाने का इन द सेंस अगर हम एक एग्जांपल लेकर के चले कि हम जिस भी चीज़ पर पैसा लगा रहे हैं और उस पैसे की गारंटी नहीं है, मींस कि हमने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट करी है रिटर्न आने के लिए, रिटर्न आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जहां पर जिस चीज़ की गारंटी ना हो उस चीज़ को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कौन करता है? हमारे पेरेंट्स। वो किस लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं? कि जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसका एक टाइम पे हमको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न इन द सेंस क्या होता है कि आप जो नॉलेज वहां से ले रहे हैं, तो नॉलेज का रिटर्न क्या है? नॉलेज का रिटर्न यही है कि आप जब लाइफ में सक्सेस होंगे, आप एक अच्छी जॉब करेंगे, आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, मींस कि जो आपने नॉलेज आपने स्टडी ली है उसका आपने किसी अच्छी जगह पे उसका यूज किया और उससे अब आपको अर्निंग हो रही, तो वो होता है आपका उसका रिटर्न। तो आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी फ्यूचर के लिए कि कल को मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा, तो ये पैसा मेरे को रिटर्न आएगा, या इसको ये पैसा रिटर्न आएगा जो मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इस चीज की होती है जो कि फ्यूचर के लिए करी जाती है, जिस चीज पे हमें गारंटी नहीं होती। अब अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि हम लोग स्टडी करते हैं क्या उसकी गारंटी होती है कि स्टडी करने के बाद हमें जॉब मिलेगी ही मिलेगी, हम लोग सक्सेस होएंगे ही होएंगे, मींस कि एक फ्यूचर पे हमने एक बस इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक होप के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, एक उम्मीद के ऊपर कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, ठीक है, बट मैं स्टडी का एग्जांपल है कि एक हमने इन्वेस्टमेंट कर दी फ्यूचर के ऊपर, वो आ भी सकता है रिटर्न और नहीं भी आ सकता। क्या पता आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाए, आप लोग अच्छी अर्निंग करने लग जाए, तो आपको रिटर्न आ गया। बट अगर आप जॉबलेस हैं, आपको अपने स्टडी भी अच्छी के लिए आपको जॉब नहीं मिल रही, आप लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, तो वो एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ, वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका उसका यूज नहीं मिला, ठीक है। तो वो होती है इन्वेस्टमेंट जहां पे आपका रिस्क होता है, जहां पे आपके पैसे की गारंटी नहीं होती कि पैसा मिल भी सकता है, पैसा नहीं भी मिल सकता, ठीक है। जहां पे आप पैसे से पैसे कमाना चाहते हैं वहां पे उस चीज को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, बट उसमें एक रिस्क होता है, ठीक है। जहां पे आप एक सैड फीलिंग करते हैं अगर आपका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपने पैसा लगाया, तो आपको एक सैड फीलिंग होती है। फॉर एग्जांपल आप LIC को ले सकते हैं, LIC भी फ्यूचर पे डिपेंड होती है, आप LIC का प्रीमियम 20 साल तक पे करते हैं, बट वो पैसा आपको 20 साल के बाद या तो मिलता है या फिर आपकी डेथ के बाद मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें पैसे की गारंटी नहीं है, वो भी शेयर मार्केट पे डिपेंड होता है। आपको एक लमसम अमाउंट वो बताते हैं कितने साल के बाद आपको इतना मिलेगा, बाकी जब आपको अमाउंट मिलता है तो कट पिट के वो शेयर मार्केट और वो सारी चीजों पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं परचेजिंग की। तो परचेजिंग क्या होता है? खरीदना। अब फॉर एग्जांपल खरीदना, जैसे कि मैंने किसी भी चीज़ के लिए पैसे दिए और उसमें मुझे उस चीज़ का इंस्टेंट रिप्लाई मिल गया। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं अपना शॉप पर गया, मेरे को कोई मोबाइल फ़ोन अच्छा लगा और मैंने उस चीज़ के लिए पैसे दिए और मेरे को मोबाइल फ़ोन मिल गया, वो होती है परचेजिंग। कि आपने पैसा दिया और हैंड टू हैंड आपको उस पैसे का रिटर्न मिल गया, उसे कहते हैं परचेजिंग, ठीक है। अब परचेजिंग के अंदर क्या होता है? आपकी जब से पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट में भी आपकी जब से पैसा लग रहा है, पर उसमें आपको रिस्क है, आपको गारंटी नहीं है, तो आप कहना कि उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैं लगाऊं कि ना लगाऊं। बट अगर मैं परचेजिंग की बात करूं तो परचेजिंग अपने नीड्स और ड्रीम्स के लिए होती है। जैसे कि आपने मोबाइल फ़ोन लिया तो कहना कि आपकी नीड हो सकती है, अगर आपने एक छोटा फ़ोन लिया तो कहना कि आपकी वो नीड है, या फिर आपने एक बड़ा लग्जरी फ़ोन लिया तो कहना कि आपका ड्रीम आईफोन 10 आप बाय कर रहे हैं, ठीक है, आईफोन MS Plus बात कर रहे हैं, तो आप जो सा भी फोन बाय कर रहे हैं तो वो आपकी ड्रीम हो सकता है, फिर नीड हो सकती है, या फिर सिर्फ फोन ही नहीं, उसके अलावा कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप क्लोथिंग से रिलेटेड हो सकती है, आपकी बाइक से रिलेटेड हो सकती है, आपकी गाड़ी से रिलेटेड हो सकती है। तो जब हम लाखों में पैसा, हम 5 रुपए से लेकर 5 लाख 5 करोड़ तक भी जब हम अपनी परचेजिंग पे लगाते हैं तो वो पैसा हमें हर्ट नहीं करता, हम उस पैसे को खर्च करने के बाद भी हैप्पी होते हैं क्योंकि उस पैसे से हमें कोई रिस्क नहीं मिला, क्योंकि हमने परचेज किया है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर
मान लीजिए एक 50 लाख की गाड़ी खरीदी है, अगर मेरा कुछ उसमें कोई घाटा भी होता है, अगर उसमें गाड़ी को बेचता तो भी 25 लाख रुपए मेरे हाफ अमाउंट तो मेरा सेफ है, मेरे को हाफ वैल्यू तो उसकी मिली जाएगी, ठीक है। तो वो होती है परचेजिंग। तो परचेजिंग करने के बाद बंदा कहीं ना कहीं हैप्पी ही रहता है उसकी जब से पैसा लगने के बाद भी, क्योंकि वो उसका नीड या ड्रीम है, वो इसीलिए उस चीज़ पे परचेज कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग बता दी, छोटे से मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया, ठीक है। बाकी आप आइडिया खुद ही लगा सकते हैं कि परचेजिंग में जो भी चीज़ खरीदी जाती है वो परचेजिंग होती है, इन्वेस्टमेंट में जिस चीज़ पे फ्यूचर के लिए पैसा लगाया जाए वो इन्वेस्टमेंट होती है। अब हमारी कम्युनिटी में प्रॉब्लम क्या आती है, लोग परचेजिंग को इन्वेस्टमेंट से ही कंपेयर करते हैं, वो बोलते हैं कि यार पैसा लगाना ही तो पड़ा, मेरे जब से पैसा जाए तो उन्हें ये चीज़ बताओ कि आपको पैसा देते ही तुरंत के तुरंत प्रोडक्ट भी मिल रहा है, बाकी चीज़ें लाइसेंस सिस्टम अथॉरिटी वो सारी चीज़ तो आपको काम करने के लिए अलग से मिल रही है, ठीक है। पर ये परचेजिंग एक आपका बिजनेस में ज्वाइन होने का पार्ट है, आप जिस परचेजिंग कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, और आपको हैंड टू हैंड जो आप पैसा दे रहे हैं उसके लिए आपको प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है ना। और अगर वो बोलते हैं मेरा पैसा नहीं है, सारी चीज़ें नहीं, तो उसको एक कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं जो कि एग्जाम्पल सही बैठते हैं। अगर वो कहता है कि मेरे पास 32,000 रुपये 40,000 रुपये लगाने के लिए नहीं है, तो आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आप एडवाइजर कराते हैं तो वहाँ दे सकते हैं, फिर आप अपने पार्टनर हैंडल करें तो उसको भी दे सकते हैं, फिर आप एक 30 लेवल पर आपको कोई पार्टनर मिलने के लिए आता है तो आप उसको भी ये चीज़ बोल सकते हैं। कि अगर मैं एक छोटी सी बात करूँ, हर बंदा आज के टाइम पर कोई ना कोई उसका एडिक्शन तो है, गुटखा बीड़ी तंबाकू कुछ ना कुछ तो है, तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो सिगरेट पीता होगा, ठीक है। तो सिगरेट का एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट सेट होता है दोस्तों। तो एक सिगरेट आती है 10 रुपए की, ठीक है। तो एक बंदा पीने वाला एक 10 रुपए की सिगरेट, एक दिन में 10 सिगरेट आराम से पी ले, तो एक दिन का वो 100 रुपया खर्च कर रहा अपनी सिगरेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में बात करें अगर मंथ का जोड़े, तो अगर एक दिन का 100 रुपए तो मंथ का सीधा सीधा 3,000 रुपए होता है। अगर इसी को मैं साल का जोड़ू तो ये 36,000 रुपए होता है, सिर्फ वो सिर्फ एक सिगरेट की एडिक्शन के ऊपर एक साल का 36,000 रुपए एक बंदा अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए लगा सकता है। तो आपको क्या लगता है, आप उसको बोलो कि यार आप अपनी लाइफ बनाने के लिए क्या लाइफ टाइम में एक बार आप 32,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, 32,000 की परचेजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे जो गरीब लोग थे रिक्शा वगैरह चलाते हैं, वो लोग भी डेली पौए का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं, 100 रुपए का पौआ आधा वो पीते ही पीते हैं, ठीक है। जिनकी लाइफ के आगे पीछे कोई भी नहीं है, वो भी साल का 36,000 रुपए 40,000 रुपए। और सिर्फ वही नहीं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी एडिक्शन के ऊपर, जिनको लत है अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए, हजारों लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट एक साल दो साल तीन साल में अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। तो आप वो एग्जांपल दे सकते हो कि यार एक बंदा अगर अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो क्या अपनी लाइफ को बनाने के लिए लाइफ टाइम में एक बार 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, 30,000 की परचेजिंग नहीं करता, जहां पर उसको बेनिफिट भी मिल रहा है, वो कपड़े बाय कर रहा है, वो कपड़े खरीद सकता है, उस कपड़े को हाफ रेट पे सेल भी कर सकता है, ठीक है। उसके उसको लाइसेंस सिस्टम स्टॉक अथॉरिटी मिल रही है काम करने के लिए, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक ड्रीम डिजायर पूरे करने के लिए उसको एक लाइफ मिल रही है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला, हर एक चीज उसको मिल रही है लाइफ के अंदर सक्सेस होने के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप उसको दे सकते हो, और ऐसे बहुत से एग्जांपल है जो आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। आप ही के आसपास के एनवायरनमेंट में अगर आप देखेंगे कि एक बंदा कितनी लाइफ में वर्स्ट परचेजिंग कर रहा है, किसी को ड्रिंकिंग का शौक है, किसी को स्मोकिंग का शौक है, किसी को गांजे का शौक है, तो वो जो शौक है वो एक्चुअल में उसका शौक उसको बर्बाद ही कर रहा है ना। वो कहीं ना कहीं अगर उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देगा, हमारी कम्युनिटी में इन्वेस्टमेंट कर देगा, हमारी कम्युनिटी में परचेजिंग कर देगा, तो उस लेवल से वो बहुत हायर लेवल तक जा सकता है छोटी सी परचेजिंग के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में डिफरेंस क्या है, कि इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना फ्यूचर के लिए, जहां पर पैसे की गारंटी नहीं होती कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, एक रिस्क होता है, बट परचेजिंग जहां पर आपने पैसा दिया आपको तुरंत आपको प्रोडक्ट मिल गया और आप हैप्पी फील करते हैं क्योंकि आपने जो पैसा दिया उसका आपको रिटर्न तुरंत के तुरंत मिल गया, वो होती है परचेजिंग। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोग मेरे नंबर मांगते हैं, तो मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपने ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, और जो भी आप मुझे कमेंट करें उसके अंदर भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, तो उसमें आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, आप ग्रुप में आइए, आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको आंसर कर दूंगा। और जो भी न्यू वीडियोज डालता हूँ मैं, तो वहाँ पर भी अपडेट कर दूंगा, आपको जल्दी अपडेट मिल जाएगी। जो भी चीज़ें आपको कोई भी सजेशन देने आप वहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर करिए, दोस्तों कमेंट जरूर करा करो, आप वीडियो देख के चले जाते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगे बुरी लगे कमेंट करके जरूर बताया करो, उससे मुझे सीखने को और हेल्प मिलती है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।